हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम प्रिंस कुमार सिंह जी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वार्ड नंबर 7 के भावी प्रत्याशी प्रिंस कुमार सिंह जी जो आज हमारे साथ हैं, इनके साथ कुछ बात होगा, तो वीडियो पे बने रहिए। तो प्रिंस भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में खुद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं प्रिंस कुमार सिंह बरगदही का निवासी हूँ। मेरा 2 विद्यालय चलता है बरगदही में। जी जी। और मेरे पिताजी उस विद्यालय को चलाते हैं, उनका नाम श्री अजय सिंह है। जी जी। तो प्रिंस भाई, अभी यंग जनरेशन में आप काफ़ी तरक्की किए हैं, फैन फॉलोइंग बनाए हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? जो हमारे सपोर्टर हैं, जी जी जी, वो हमको एज ए नेता के तौर पे ना देख के भाई के तौर पे देखते हैं। जी जी। और उनका सपोर्ट हमें अच्छा मिलता है, प्यार अच्छा मिलता है, और जब भी उनकी ज़रूरत होती है हम वहाँ पे खड़े रहते हैं। हमारी ज़रूरत जब भी होती है, कभी भी, वह सुबह या शाम जब भी बुलाते हैं, रात में तभी भी वहाँ खड़े रहते हैं। हाँ, ये चीज़ें हमें भी अच्छा लगा कि, और हमने काफ़ी फेसबुक पेज पे देखा है कि आपने लॉकडाउन में काफ़ी लोगों का हेल्प किया, और आपके साथ जितने भी सपोर्टर थे वो भी लोग लगे हुए थे, तो यह चीज़ें हमें अच्छा लगा। और हमने सोच ही लिया कि एक इंटरव्यू आपका लेना तो बनता है, तो इसके वजह से आज हम भी आए और आपसे मुलाकात भी हो गया। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है सर? मेरा क्वालिफिकेशन MA साइकोलॉजी से है। जी जी जी। और NIIT से PHP SQL जावा और DCF फाइनल है। तो प्रिंस भाई, आइए कुछ आपके लिए क्वेश्चन है जो मैंने प्रिपेयर करके लेके आया हूँ, तो इससे कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। तो आप सबसे पहले जर्नी कहाँ से स्टार्ट किए थे? मेरी जर्नी नियर अबाउट 3 साल हो गया जिस चुनाव के पर्पज़ में आया। और चुनाव का पर्पज़ मेन ध्येय ये था समाज सेवा करना, क्योंकि हमारे बाबा जी जी जो 2 बार प्रधान रह चुके हैं, जी जी, और हमारे पिताजी हैं जो विद्यालय चलाते हैं, काफ़ी अच्छा विद्यालय चलता है, लोगों का समर्थन अच्छा मिलता है। और हमको सरकारी नौकरी का पर्पज़ नहीं था, जॉब हमको सरकारी नौकरी नहीं करना है, क्योंकि हमारा विद्यालय, हम अकेले हैं जी, और जी, जी। पापा जी के बाद हम ही को विद्यालय संभालना है, तो इसलिए पापा जी भी समाज सेवा करते थे, उनके पद चिन्हों पर चलने के अनुसार जी, हम जी। भी समाज सेवा का मन बनाए और समाज के प्रति आगे आए, क्योंकि जो भी नेता जी जी अभी तक हम जो देख रहे हैं, जो छोटे लेवल के नेता हैं, चुनाव जब आता नज़दीक आता, 6 महीने का चुनाव आएगा तो वह चुनाव में और रनिंग करेंगे, बाकी के टाइम गायब रहते हैं। अभी हम देखिए, कई कई गांव में गए, लोगों का मन ये हुआ कि बाबू जीतले के बाद लोगों का नज़र नहीं आवेला। नहीं नहीं। तो हम उनसे कहे चाची चाचा या जो भी बाबा कि देखिए इस चीज़ को आप किनारे रखिए, और हमारा पूरा हिस्ट्री उठा लीजिए कि 2.5-3 सालों से हम लगे हुए हैं। लॉकडाउन में हमने मार्क्स 5,000 से ऊपर बटवाया, कईयों गांव में हम सब्जियां बटवाए, राशन बटवाए, केवल अपने अपने पर्पज़ से, अपने ही पैसे से, ना कि किसी सरकारी फंड से। जी जी। यह चीज़ हम लोगों ने भी देखा, और जितने भी भटहट बरगदही क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आपने लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा किया, मास्क भी हर एक गाँव का वितरण करवाया, और भी आपने उन लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड किया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आप अपने फैन फॉलोअर्स या जितने सपोर्टर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वह हमारे साथ दिनों रात लगे रहते हैं। एक फ़ोन पे 50, 100, 200 लड़के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, कभी भी हम उनकी ज़रूरत पड़ती है वह हमारे साथ खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि वह हमको रात में कभी भी वह याद करते हैं, भैया ये परेशानी है, हमारे घर पे ये फंक्शन है या ये दिक्कत है, तो हम वहाँ उपस्थित रहते हैं, चाहे सुबह शाम कभी भी हुआ। जी जी। तो प्रिंस भाई, अगला हमारा कि मतलब नेक्स्ट प्लान आपका क्या होगा आगे? अभी तो चुनाव का टाइम है नहीं, नेक्स्ट प्लान क्या होगा? कुछ प्लान तो यही है, समाज सेवा करना, समाज, चुनाव का पर्पज़ तो मेन ध्येय यही है, समाज में लोगों के प्रति जाना, सबके पास एक एक करके जाना, सोशल मीडिया या हर जगह आपको देख ही रहे हैं, नहीं, नहीं, एक एक लोगों के पास जाके अपनी बातों को रखना, उनके परेशानियों को सुनना, सब कुछ करना, उसका जहाँ तक कि हो सके हल को ढूंढना। जी जी जी। तो अभी एक चीज़, ये क्वेश्चन हालांकि करने लायक नहीं है, अभी हमने खुद ही फेसबुक पेज पर देखा कि आपके अगेंस्ट में कई लोग काम कर किए और पोस्टर वगैरह को थोड़ा स्क्रैच कर दे, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? हालांकि ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, लेकिन तो ये मेरे तरफ से है।
जैसे अब उनको क्षेत्र में चलना तो है नहीं, लोगों से जी मिलना जी है नहीं, लोगों की तरक्की और लोगों का इतने कम उम्र में कैसे इतना हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइट होने का पर्पज लोगों का आशीर्वाद ही है। हाँ, जैसे और कि लोग अपने तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि फिर दूसरों को भी ना करने दें, क्योंकि वह सोच रहे हैं कि देखिए बैनर लगा था, थोड़ा सा चौराहे का भी शो बढ़ा था, अच्छा लग रहा अच्छा था, लग रहा था रोड पे, रोड पे अच्छा लग रहा था, लेकिन अब बैनर सामने से तो मतलब बस फेस टू फेस बात करना नहीं पड़ना, बैनर को ही जो निर्जीव है ये तो उसको है। तोड़ा जा रहा है, सामने से तो फेस कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये चीजें हैं ना, मतलब। ना जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि उसी को छत्रीग्रस्त किया जाए कि जिससे हम कमजोर पड़े, लेकिन ऐसा कुछ लेकिन नहीं तो होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपने टारगेट पे फोकस कीजिए। उन्होंने लोग उन्होंने हमको और जागरूक किया हाँ हाँ ये कि चीजें अभी करके। अभी आपको और चलना है। जी 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 तो अभी हम एज कितना होगा, इतने कम टाइम में आपने इतना फैन फॉलोइंग बनाया, एज के बारे में कुछ? 22-23। 22-23 तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी प्रिंस कुमार सिंह जी का एज 22 साल है, और 22 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लॉकडाउन में जगह जगह मास्क प्रोवाइड किए, सब्जी प्रोवाइड किए, लोगों का सहायता किया, और जब भी कोई इन्हें इनवाइट करता है, बुलाता है, तो ये किसी भी टाइम जाने के लिए तैयार रहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे बने रहेंगे। तो प्रिंस भाई, आप एक बार अपने फॉलोअर्स के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए कि ऐसे हमको सपोर्ट करते रहें, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, ये भी चीज़ें हमें अच्छा लगा, तो थोड़ा एक बार अपने, क्योंकि मेन होता है कि फॉलोअर्स हमारे रहेंगे, हमारे जानने वाले रहेंगे, तभी तो अच्छा लगेगा, तभी तो काम करने में मज़ा आता है। तो जो आप लोगों के साथ जुड़े हैं उनके बारे में कुछ कहिए। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम निवेदन भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ेंगे तभी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बनता जी है। जी जी। और युवा शक्ति को हम जरूर कहेंगे कि कागज की नाव को छोड़ दी हमने, अब समंदर की बारी है, मतलब हम घर परिवार का ही नहीं, अब पूरे भारत देश के राष्ट्र का जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार उस राष्ट्र की युवा शक्ति होती है। जी जी। अगर वह हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि समाज सेवा बहुत बड़ा ध्येय है, क्योंकि छोटे लेवल पे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लोगों का बड़े नेता तो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी पार्टी लेवल का काम हो गया इस टाइम देख ही रहे हैं। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन अब ऐसा करना, गांव गांव लोगों के बीच में जाना, और जो हमारे सपोर्टर हैं उनसे हम यही विनती करेंगे कि वह हमारे साथ जुड़ें, ऐसे बने रहें बने रहें, और समाज सेवा के प्रति और अग्रसर हों, वो भी जागरूक हों। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रिंस कुमार जी हर एक काम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो आप सभी इन्हें ऐसे सपोर्ट करते रहें, और जितने भी फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर हैं, ऐसे लगे रहें, और हम लोग भी चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में कोई भावी प्रत्याशी यंग जनरेशन का हो जो हम लोगों की बातों को समझे। तो प्रिंस भाई एक बार और आप बोल दीजिए कि जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को शेयर करिए और फैलाइए, कि ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे हम निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग के ही मदद से कुछ हो पाएगा। जी जी जी। और युवा शक्ति ही नहीं जागरूक होगा तो कुछ नहीं हो कुछ सकता। कुछ नहीं होगा जी। और आप लोग को भी निवेदन है कि आप लोग जागरूक होइए, क्योंकि हम लोग समाज सेवा के प्रति थोड़ा आगे बढ़ें, हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ समाज सेवा करें। जी 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 जी। तो प्रिंस भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हम लोग भी प्रिंस भाई के साथ हैं, और आगे ऐसे सपोर्ट बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।